गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंटस्ट बायोलॉजी। गाइस, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स के लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। जिस तरीके से एक छोटी सी बिल्डिंग, एक छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी फैक्ट्री या किसी बड़ी भी फैक्ट्री में जो पर्टिकुलर वर्कर्स, जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, वो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, ठीक इसी तरीके से एक सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल की डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करने में मदद करता है। सेल ऑर्गेनल्स क्यों कहा गया, क्योंकि हम उनको ऑर्गन नहीं कह सकते। ऑर्गन तब कहते हैं जब उनमें ढेर सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। या हम सिर्फ बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की, यानी कि जो इनसाइड द सेल अवेलेबल है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है, डूबे हुए हैं, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं किसके लिए, सेल के लिए। जैसे किस प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड को बना के या हार्मोन को बना के उसको सीक्रेट करना, किसी सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और एनर्जी को प्रोड्यूस करना। चलिए शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। These are microscopic cytoplasmic structure. ये एक microscopic, microscope से देखी जाने वाली cytoplasmic, यानी cytoplasm में दिखाई देने वाली structure हैं, which perform different function, जो different functions को perform करती हैं, such as the synthesis of substance, किसी substance को formation करना, like a protein formation, सीक्रीशन कुछ हॉर्मोन्स, कुछ लिपिड्स को तैयार करके उनको रिलीज करना, डाइजेशन किसी बड़े मॉलिक्यूल को एक सिंपल इजीली मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी को प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने आपको पीछे साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में ग्लाइकोलाइसिस बताया था, तो ग्लाइकोलाइसिस से मतलब किसे कहते हैं कि हमारी जो सेल है उसके अंदर हम ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करके फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते, तब एनर्जी हमको मिलती है। द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर, जो डिफरेंट हमारे सेल ऑर्गेनल्स है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कुछ लोग माइटोचॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है, सेंट्रोसोम। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखे जाते हैं। ये किसके अंदर नहीं होंगे, एक तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम, जिसमें एग्जांपल हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का देते हैं, ये उसमें नहीं मिलेगा, और ना ही जो मैमल्स होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स नहीं जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स की जो आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसको बायोलॉजिकली हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स में भी ये नहीं देखे जाते। तो दो एक्सेप्शन है इस बात के जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है नेचर में। पहला हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा हमारे पास मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। तो ये दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनके पास बिल्कुल भी कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। हाँ, सिर्फ राइबोसोम्स जो है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, ओनली राइबोसोम्स, इसके अलावा कुछ हमें नहीं मिलता। तो ये छोटा सा लेक्चर है सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, जिसको आप इजीली अच्छे से कंप्लीट करेंगे।